नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस कोचिंग सेंटर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं CDP की PYQ क्लास, जिसमें आपकी CDP की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है संवेदनशील, ऑप्शन सेकंड है क्षेत्रीय, ऑप्शन थर्ड है विशिष्ट या असामान्य, ऑप्शन फोर्थ है अप्रतिक्रियात्मक। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, संवेदनशील। सेकंड क्वेश्चन है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, ऑप्शन सेकंड है हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, ऑप्शन थर्ड है अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, ऑप्शन फोर है हर किसी में विकास सामान्य में विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है।